इसी क्लास की प्रीवियस पार्ट में हमने एमएस एक्सेस के अंदर डेटा को लॉक करना सीखा था। इस पार्ट में हम एमएस एक्सेस डेटाबेस से एक्सेल के अंदर डेटा को रीड करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डिस्प्ले क्रिएट करेंगे जो हमने पहले से यहाँ पर क्रिएट कर रखी है। इसके अंदर कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालेंगे कि हमें रिपोर्ट किस तरह की चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर एक डेट फ्रॉम और डेट टू, टाइम फ्रॉम और टाइम टू, ये हमने यहाँ पर डाला है और कुछ यहाँ पर ऑप्शंस डाले हैं जिसकी हमें रिपोर्टिंग करनी होती है। अभी के केस में हमने सिर्फ डे वाइज वाली रिपोर्ट का कोड लिखा है और बाकी के ऑप्शन का हमने कोड अभी लिखा नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और बीबीए कोड पर जाते हैं। ये सब तो हम इस गाड़ा के अंदर से सारे फीचर मिल जाते हैं, वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम बीबीए कोड लिखते हैं। जैसे इसके अंदर हमने कुछ बीबीए कोड लिखा है वो हम दिखा देते हैं। ये इसके अंदर हमने जो दिस डिस्प्ले है, यानी कि डिस्प्ले जब लोड होगी तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ लोड होके आए उसको हमने डाल दिया है। यानी इसके अंदर टाइम है वो हम 9 बजे सुबह से शाम के 6 बजे का टाइम यहाँ पर ऑटोमेटिक लोड हो जाए उसके लिए लिख दिया है। दूसरा इसके अंदर हमने एक यहाँ पर डिवाइस रिपोर्ट का एक ऑप्शन लिया है, उसको इनेबल कराया है। उसके लिए यहाँ पर कोड लिखा है कि जब हम इसके ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि यहाँ पर जब चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। ये रिपोर्ट वन, यानी कि ये वाला जो बटन है ये इनेबल हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट के लिए हमने लिख दिया। और फिर इसके अंदर एक मॉड्यूल के अंदर हमने मॉड्यूल क्रिएट किया है और इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें सेट की हैं, जैसे कि हमें डेटा किस डेटाबेस से लेना है। तो ये हमने डेटाबेस का नाम दिया है यहाँ पर रिपोर्ट वन डॉट डी एल जी और इसको कनेक्ट कर दिया। और इसके डेटा को हमने, जैसे ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया है सी एन, एन रो और एन कॉलन, हमको कौन सी रो में डेटा लेना है, तो ये हम ये 10 नंबर रो में लेंगे। तो अभी इसका हम एक इस सीट को भी हम डालेंगे जो हमारा कोड है। ये कोड के अंदर हम एक ई ड्राइव के अंदर एपीएल फोल्डर के अंदर यहाँ पर ये डाला है, तो इसको हमने सी अंदर बनाया है, तो हम यहाँ पर सी कर देंगे सी। और एपीएल फोल्डर के अंदर एक हम इस नाम की एक्सेल सीट को बनाएंगे। तो हम पहले एक काम कर लेते हैं, जो पाथ हमने दिया है जिसमें हमें डेटा को रीड करना है, एपीएल रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट अंडरस्कोर वन के अंदर एक एक्सेल सीट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक एक्सेल सीट को क्रिएट कर रहे हैं, न्यू एक्सेल सीट, और इसका नाम दे देंगे जो हमने अभी यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर, ये हमने एक इसके अंदर ये बना दिया कोड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बना दिया। आप पहले फोल्डर बना सकते हैं या पहले वो बना सकते हैं उसके बाद आप कोड बना सकते हैं। हमने ये पहले से कोड लिख रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये पाथ दे दिया और उसके अंदर एक एक्सेल फाइल बना दी। पहले तो हमने डेटा लॉगर के अंदर एक डेटाबेस फाइल क्रिएट की थी, अब हमने एक एक्सेल सीट एक्सेल की ये फाइल यहाँ पर क्रिएट कर दी। और इसके अंदर हम 10वीं रो पर, यानी कि यहाँ पर तो हम टाइम ले लेंगे, यहाँ टाइम आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं टाइम, ये हमारा टाइम आ जाएगा यहाँ पे। और 10वें नंबर में यहाँ से डेटा स्टार्ट होना है, यहाँ पर टाइम आ जाएगा सारा, और यहाँ से इसके अंदर जो भी पहले पीबी की वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी और दूसरे पीबी की यहाँ, तीसरे पीबी की यहाँ। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पीबी वन या टैग वन, टैग वन इस तरह का नाम दे देंगे, टैग टू ऐसे, यहाँ तक टैग 24 तक नाम दे देंगे और यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं। तो इसको हम एक बार तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे ये सारे यहाँ पर फॉर्मेट तैयार है। अब हमारे जो डेटा आएगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, टैग वन का इसके अंदर आएगा, टाइम इसका यहाँ पर आएगा, टाइम कॉमन रहेगा और सारे टैग की वैल्यू इसके अंदर यहाँ आएगी। तो ये हमने सेव कर लिया, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये फोल्डर का पाथ दे दिया और इसके अंदर डेटा को हम रीड करा लेंगे। 10वीं रो से स्टार्ट करेंगे, ये हमने कोड लिख रखा है। ये विजुअल बेसिक का जो बेसिक्स हैं वो हम इस क्लास में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर हम विजुअल बेसिक के बेसिक्स बताने लगे तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। विजुअल बेसिक की क्लासेस हम एक अलग सेपरेट सेशन में स्टार्ट करेंगे जिसमें हम विजुअल बेसिक्स को सीखेंगे। तो ये हमने कोड लिख लिया है। और दूसरा एक हमने लिखा है यहाँ पर एपीएल रिपोर्ट के अंदर एक बैकअप नाम का फोल्डर बनाना है। एक बैकअप नाम का एक फोल्डर हमें यहाँ से एक बार इसको कॉपी करेंगे
और इसके अंदर एक बैकअप नाम का फोल्डर भी बनाएंगे, फोल्डर क्रिएट कर देंगे। तो क्या करेंगे, ये यहाँ पर सी कर देंगे, ये हमने पहले ई में टेस्ट की होगी इसलिए ये ई पड़ा है, इसको सी डाल दिया। सी के अंदर हमने एक बैक फोल्डर बना दिया। इस बैकअप फोल्डर के अंदर यानी कि जब भी हम क्लिक करके डेटा को रीड करेंगे, एपीएल फोल्डर के अंदर एक बैकअप फोल्डर के अंदर रिपोर्ट अंडरस्कोर करके ये वाला फॉर्मेट में एक फाइल को क्रिएट भी कर लेगा, यानी कि ये ओरिजिनल फाइल में कुछ नहीं करेगा, ये बैकअप वाली फाइल में एक फाइल को क्रिएट कर लेगा। जब भी हम एक बार रिपोर्ट निकालेंगे जिस भी टाइम की, तो वो उसमें एक बार रिपोर्ट अंडरस्कोर जो डेट का फॉर्मेट होगा और ये वाला जो फॉर्मेट लेगा उसको ये एक फाइल क्रिएट करके सेव कर लेगा जब जब भी हम रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तब तक। तो ये हमने एक इसका बीबीए कोड, बहुत छोटा सा बीबीए कोड लिखा है, तो इसको एक बार सेव कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे और इसको भी सेव कर देंगे और क्लोज कर देंगे, बीबीए कोड क्लोज कर देंगे। तो ये तो हमारा कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, तो ये रिपोर्ट नाम का ये बन गया। अब हम अपने डिस्प्ले में एक हमने यहाँ पर बटन बनाई है और इसके अंदर डिस्प्ले यानी कि ये वाली जो डिस्प्ले है इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट करके ओपन करवाया है। अब हम डेटा को रीड करवाएंगे। हमने अपनी एक्सेल शीट के अंदर ये फॉर्मेट तैयार कर लिया, इसी फॉर्मेट के अंदर डेटा आएगा। कहाँ आएगा, इस कॉलम के अंदर, इस टैग का और टैग टू का इस कॉलम के अंदर, टैग थ्री का इस कॉलम। हमने यहाँ डिफॉल्टली नाम टैग वन टू थ्री नाम दिए हैं, आप प्रोसेस का कुछ नाम दे सकते हो। जैसे पहले केस में इसमें तो हम वाटर डाल देते हैं, ये हमारा वाटर का है, वाटर फ्लो, वाटर फ्लो आ गया। इसी तरह से जो भी टैग का नाम है उसके हिसाब से यहाँ पर नाम डाल दोगे। तो ये फॉर्मेट हमने यहाँ पर तैयार कर लिया और अब हम इसको एक बार रिपोर्ट को खोलेंगे। इसके अंदर डे वाइज पर सेलेक्ट करेंगे तो ये इनेबल हो गई। अब इस पर एक बार क्लिक करेंगे, इसके अंदर कुछ एरर है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ओडीबीसी मैनेजर डेटा सोर्स नेम। ओके, हमारा डेटा सोर्स का नेम कुछ गलत पड़ा है, एक बार हम बीबीए कोड में देख लेते हैं। ओके करेंगे, क्लोज कर देंगे। हम जाएंगे इस सीट के कोड में और एक बार यहाँ पर डेटा सोर्स का नाम चेक करेंगे। ये हमने डेटा सोर्स का नाम दिया है रिपोर्ट वन डीएलजी, इस नाम का डेटा सोर्स नहीं मिल रहा है इसे। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैंने किस नाम से बनाया है। विंडो में जाएंगे, सिस वाओ में जाएंगे, ओडीबीसी के अंदर जाएंगे और यहाँ जाकर देखेंगे। अच्छा, रिपोर्ट वन डीएसएन के नाम से है तो इसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डीएलजी की जगह डीएसएन लिखना पड़ेगा, डीएसएन लिख देते हैं। ओके करेंगे, क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, दूसरी स्क्रीन पर जाएंगे, पहली स्क्रीन पर आएंगे। अब एक बार दोबारा से रिपोर्ट को ओपन करके देखेंगे। एक बार ओपन किया, ये सेलेक्ट किया और जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक किया, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर इसने रिपोर्ट जनरेट कर दी है। यानी कि जो भी हमने डेटा वहाँ से रीड कराया है, यानी कि जो डेटा हमने एमएस एक्सेस के अंदर रिकॉर्ड कराया है वही डेटा हमने यहाँ पर रीड करा लिया। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये दो दो मिनट पर इसने रीड कर लिया, 12:26, 12:28, 12:30, 12:32, 12:34, इस तरह से इसने यहाँ पर रीड करा लिया। तो आज की क्लास में हमने सीखा एमएस एक्सेस के अंदर जो डेटा रिकॉर्ड हो चुका है उसको हम अपने एक्सेल शीट में कैसे रीड कराना है वो सीखा। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।